गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आशा है आप घर पर हैं और स्वस्थ हैं। चलिए आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में शरणार्थी समस्या का अध्ययन किया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन कौन सी और चुनौतियाँ थीं। रियासतों को सौंपे गए दस्तावेजों का विलीनीकरण। भारत विभाजन के बाद पहले देश आज़ाद हुआ, फिर भारत विभाजन हुआ, उसके बाद जो रियासतें थीं छोटी छोटी, वो एक बड़ी रियासतों में मिल गई। उसमें जो परेशानियां हुई, जो दस्तावेज हुए, तो आज अपन उसका अध्ययन करते हैं। भारत सरकार द्वारा देसी रियासतों को सौंपे गए दो दस्तावेजों की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। पहला दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में देसी नरेशों को अपनी रियासत की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले व संचार एवं मुद्रा संबंधी समस्त अधिकार भारत की संघीय सरकार को सौंपते हुए भारत में अपनी रियासतों के विलय की स्वीकृति देनी होगी। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये शब्द है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये परीक्षा में आता जरूर है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं विलय पत्र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र है। जूनागढ़ का जब विलय हुआ था तो जो विलय पत्र था उसमें समझौते के रूप में जो हस्ताक्षर किए गए थे उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। या तो आपका आएगा परीक्षा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, कभी कभी इसको विलय पत्र भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और विलय पत्र एक ही चीज है। दूसरा दस्तावेज स्टेटिल एग्रीमेंट था, जिसके द्वारा अभी तक स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य की केंद्रीय सरकार के स्थान पर नई संघीय व्यवस्था की केंद्रीय सरकार को मान्यता दी गई थी, जिसे सभी राज्यों के प्रमुख स्वीकार करेंगे। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतों को छोड़कर देश की सीमा के अंदर स्थित सभी रियासतों के शासकों ने उपर्युक्त दोनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर भारत में अपने राज्यों के विलीनीकरण को स्वीकार कर लिया। जूनागढ़ के नवाब ने भारत सरकार द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए और पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, जिससे उस राज्य की जनता भड़क गई और उन्होंने संगठित होकर विद्रोह कर दिया। संगठित होकर मतलब एकजुट होकर सब मिलकर विद्रोह करने लगे और राज्य शासन पर अधिकार कर स्वतंत्र अस्थायी शासन की स्थापना करने की घोषणा कर दी। जूनागढ़ का नवाब अपनी आत्मरक्षा के लिए परिवार और स्वजनों, जिसमें बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो भी शामिल थे, पाकिस्तान भाग गए। जनता ने भारत सरकार से जूनागढ़ में विलय किए जाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराकर रियासतों को भारत में मिला लिया गया। जनमत का मतलब होता है बच्चों वहाँ की जनता के मतों के आधार पर, जनमत मतलब वहाँ की जनता के मतों के आधार पर इस जूनागढ़ रियासत को भारत में मिला लिया गया। अब देखते हैं हैदराबाद का विलय भारत में। हैदराबाद रियासत का नवाब अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था, वह ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था ना ही भारत में, अतः उसने अपने राज्य में भारत सरकार की संभावित सैन्य कार्यवाही का सामना करने के लिए रजाकार सेना का गठन करना शुरू कर दिया तथा भारत सरकार को वार्ता के दौरों में फंसाकर
कुछ समय लेने का प्रयास किया। राज्य की जनता ने नवाब की इस चाल को समझकर जन आंदोलन शुरू कर दिए। नवाब ने इसे दबाने के लिए रजाकार सेना के प्रयोग का चक्र चलाया, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अराजकता, लड़ाई झगड़ा, स्थिति बिगड़ते देखकर लॉर्ड माउंटबेटन ने नवाब पर दबाव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप नवाब ने दोनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तो कर दिए, किंतु अपने राज्य का भारत में विलय किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं सौंपा। रजाकार सेना जनता के विरुद्ध अत्याचार करने लगी, अतः भारत सरकार ने सितंबर 1948 को मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना को हैदराबाद में प्रवेश पर संपूर्ण शासन व्यवस्था अपने अधिकार में लेने का आदेश दिया। यह कार्यवाही 5 दिनों तक चली और इसके अंतर्गत सेना ने मुस्लिम रजाकार सेना का पूर्ण सफाया कर दिया। श्री रेनबोथ आईएएस की कमान ने शासन व्यवस्था संभाल ली। हैदराबाद के नवाब ने हार स्वीकार कर भारत में राज्य के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी के साथ संपूर्ण देश में रियासतों के विलीनीकरण का कार्य पूर्ण हो गया और लगभग 565 रियासतें भारत में मिल गईं। अब है रियासतों का विलीनीकरण। भारत सरकार ने अपनी सीमा में स्थित रियासतों की जनता को अलग राज्यों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अवसर की समानता दिलाने के उद्देश्य से विलय की 2 पद्धतियां, बाह्य पद्धति और आंतरिक पद्धति को अपनाया। तो बाह्य विलय पद्धति क्या थी, इसको 4 भागों में इसको बांटा गया। तो आइए देखते हैं। पहला, छोटी छोटी रियासतें जिनकी आबादी 20 लाख से कम थी। वो रियासतें जिनकी आबादी 20 लाख से कम थी, जिनकी वार्षिक आय लगभग 50 लाख से कम होने के कारण वह स्वावलंबी प्रांत का स्वरूप नहीं ले सकती थी, तो उन्हें पड़ोसी राज्यों में मिला दिया गया। दूसरा, ऐसी 39 रियासतें जिन्हें संविधान सभा में स्थान प्राप्त नहीं था और जिनकी आय 10 लाख वार्षिक आय 10 लाख से भी कम थी, उनको भी समवर्ती राज्य उड़ीसा में 25 और मध्य प्रदेश में 14 रियासतों को मिला दिया गया। तीसरा है परस्पर समवर्ती देसी रियासतें जो परस्पर मिला देने पर स्वावलंबी इकाई के रूप में कार्य कर सकती थीं, उन्हें मिलाकर सौराष्ट्र संघ, मध्य भारत संघ, कोचीन त्रावणकोर संघ, पटियाला और पूर्वी पंजाब संघ बनाए गए। इसके निर्माण में संघ रियासतों में रहने वालों लोगों की भौगोलिक, भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक समानताओं पर ध्यान रखा गया। चौथा, 4 बड़ी रियासतें मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को प्रांत मान लिया गया। इन रियासतों में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें पूर्वी पंजाब की 21 रियासतों से बना हिमाचल प्रदेश संघ, बुंदेलखंड और बघेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर बनाया गया विंध्य प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, भोपाल, त्रिपुरा की रियासतों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ से स्वतंत्र भारत में सभी रियासतों को समाहित कर भारत की परिकल्पना का एक
अध्याय पूर्ण किया। संविधान सभा ने सरदार पटेल के इस भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा, एक आदर्श जो शताब्दियों तक एक दूर का सपना दिखाई पड़ता था, वह भारतीय स्वतंत्रता के प्रादुर्भाव के बाद भी एक दूर तक का असंभव लक्ष्य दिखाई देता था, एकीकरण की इस नीति से संभव हो सका। सरदार पटेल के प्रयास से यह संभव हो सका, इसको बोल सकते हैं। आज जो अखंड भारत है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की कठोर किंतु कुशल व्यूह रचना का दृढ़ निश्चय का परिणाम है। इसी कार्य के लिए उन्हें लौह पुरुष व अखंड भारत के निर्माता कहा जाता है। रियासतों के विलीनीकरण में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, गृह मंत्रालय के सचिव श्री वीपी मेनन तथा पटियाला के महाराजा की भूमिका को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। कश्मीर समस्या भी एक बहुत अब देखते हैं कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने में सबसे बड़ा अवरोधक माना जाता है। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसका शासक हिंदू और मुस्लिम बहुल जनता थी। यह सामरिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसी सीमा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और रूस देशों की सीमाएं मिली हुई हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके 5 प्रमुख भाग हैं: जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख का पठार, पीर पंजाल के पहाड़ी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र के रूप में आजाद कश्मीर। अब देखते हैं कश्मीर समस्या का जन्म कैसे हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के शासक को यह सुविधा दी गई थी कि वह भारत या पाकिस्तान में विलय के लिए अपना स्वतंत्र राज्य में के रूप में बने रहने का निर्णय ले। या तो कश्मीर भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए। अगर वह भारत या पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता तो स्वतंत्र राज्य करने के लिए अपना निर्णय ले ले। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भी स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। यह निर्णय पाकिस्तान की आशा के विरुद्ध था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। अतः उसने हरि सिंह पर दबाव बनाने के लिए अपने यहाँ से कश्मीर राज्य को दी जाने वाली खाद्य सामग्री, राशन अनाज आदि, मिट्टी का तेल व ईंधन भेजना बंद कर दिया। जब इस कार्यवाही का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा तो पाकिस्तान ने सितंबर और अक्टूबर 1947 में आदिवासियों, कबाइलों के माध्यम से दंगे, लूटपाट, लड़ाई झगड़ा, अत्याचार करना शुरू कर दिया। बाद में इन्हीं कबाइलियों ने छद्म वेश में पाक सेना को कश्मीर क्षेत्र में घुसेड़ दिया। इस सेना ने 22 अक्टूबर 1947 को पश्चिम बंगाल की ओर से घाटी में प्रवेश कर गांवों और शहरों में तबाही मचाना शुरू कर दिया और यह तबाही अत्याचार करते करते 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना राजधानी श्रीनगर के पास पहुंच चुकी थी। कश्मीरी सेना इन्हें रोकने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी। राज्य में आए इस संकट को देखते हुए 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के शासक हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता मांगने हेतु दिल्ली में संपर्क किया। भारत सरकार ने अपने जवाब में कश्मीर शासक हरि सिंह को अपनी रियासत
भारत में विलय किए बिना उसे सैनिक सहायता देने में असमर्थता प्रकट की। ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने 25 अक्टूबर को अपनी रियासत कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा कर दी और शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर भारत सरकार से सैन्य सहायता भेजने का आग्रह कर दिया। इस तरह भारत सरकार राज्य के विधिवत विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना सैन्य सहयोग देने में असमर्थ थी। युद्ध विराम, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय सेनाओं की निरंतर विजय से हताश पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1948 की अर्धरात्रि से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। 1948 दिसंबर की अर्धरात्रि से युद्ध का प्रस्ताव रखा, जिसे श्री नेहरू ने अपनी सहमति दे दी। गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल सहित अनेक प्रमुख नेता युद्ध विराम के पक्ष में नहीं थे, किंतु श्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध के पक्ष में नहीं थे। अतः 1 जनवरी 1949 से युद्ध विराम लागू हो गया। परिणाम स्वरूप जो सेनाएं जिन क्षेत्रों में थीं, वही उसे उस देश के अधिकार में रह गया। पाकिस्तान के कब्जे में रह गया आदिवासी क्षेत्र आजाद कश्मीर कहलाता है। कश्मीर विवाद आपको मालूम है बच्चों, आज भी कायम है। देखते हैं कश्मीर विवाद। सुरक्षा परिषद ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रयास तो बहुत किए, किंतु अमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्रों का पाकिस्तान के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार और समस्या को बनाए रखने की नीति के कारण यह मामला आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। विवाद के संबंध में दोनों पक्षों भारत और पाकिस्तान के परस्पर विरोधी तर्क दिए गए। कश्मीर विवाद मुख्यतः 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत देश में स्थापित रियासतों और रजवाड़ों के शासकों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ भारत या पाकिस्तान से अलग अपनी स्वतंत्र स्वरूप बनाए रखने के लिए अथवा उनमें से किसी एक राष्ट्र में अपने को विलय करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने के अधिकार के आधार पर कश्मीर के शासक हरि सिंह द्वारा अपनी रियासत को भारत में विलय करने के संबंध में पाकिस्तान के विरोध से उत्पन्न हुआ है। इस संबंध में पाकिस्तान द्वारा कुछ तर्क रखे गए हैं, जो देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या तर्क दिए। पहला, पाकिस्तान अपने निर्माण को द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते हुए भारत में स्थित समस्त मुस्लिम बहुक्षेत्रों को अपने राष्ट्र के अंतर्गत शामिल किए जाने का पक्षधर था। अतः इस सिद्धांत के आधार पर कश्मीर के हिंदू शासक का भारत में विलय किए जाने का निर्णय राज्य की मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या के साथ विश्वासघात मानते हुए पाकिस्तान इस विलय को अमान्य करता आ रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व से ही कश्मीर राज्य का पाकिस्तान में शामिल मुजफ्फराबाद और पुंछ क्षेत्र से आर्थिक संबंध रहे हैं। इन क्षेत्रों से कश्मीर राज्य को आवश्यक खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल और ईंधन की आपूर्ति होती थी। अतः कश्मीर भारत की तुलना में पाकिस्तान क्षेत्र से अधिक निकटता से जुड़े होने के कारण आर्थिक और भौगोलिक कारणों से पाकिस्तान में विलय किया जाना चाहिए था। स्वयं भारत ने कश्मीर के विलय संधि पर हस्ताक्षर करते हुए
कश्मीर की जनता को यह आश्वासन दिया था कि जब भी कश्मीर में शांति और कानून की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तथा वहां से सभी आक्रमणकारी बाहर कर दिए जाएंगे तो जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय की स्वीकृति जनता से ही ली जाएगी। युद्ध विराम हो जाने व शांति और कानून व्यवस्था कायम हो जाने के बाद भी भारत द्वारा जनमत संग्रह नहीं किए जाने से विलय प्रक्रिया अपूर्ण रह गई, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इस संदर्भ में भारत ने अपने क्या तर्क दिए, भारत के क्या विचार थे। देखते हैं, भारत की स्पष्ट मान्यता है कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में विलय करने अथवा स्वतंत्र रहने का निर्णय पूर्णतः उस रियासत के शासक को दिया गया था। इसी तरह इसी प्रावधान के तहत कश्मीर के शासक हरि सिंह द्वारा भारत में अपनी रियासत को विलय करने का निर्णय पूर्णतः न्यायिक एवं तर्कसम्मत है। दूसरा, पाकिस्तान द्वारा अपने निर्माण को द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित मानना उसकी अपनी सोच है, जिसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। 1947 के अधिनियम में भी इस सिद्धांत का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, अतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का पाकिस्तान में ही विलय किया जाना किसी भी मुस्लिम रियासत के शासक के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है। तीसरा, जहां तक जनमत संग्रह किए जाने का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य अभी तक पूर्ण रूप से आक्रमणकारियों से मुक्त नहीं हो सका। आज भी आजाद कश्मीर के नाम रियासत का क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन है, जहां आज तक जनता द्वारा चयनित सरकार नहीं बन सकी, जबकि भारत में सम्मिलित कश्मीर में 1952 के बाद से ही नियमित जनतांत्रिक सरकार कार्य कर रही है। भारत की दृष्टि में कश्मीर विवाद एक मुद्दा है जो पाकिस्तान के संकुचित और छोटे मनोवृत्ति से प्रायोजित अतिक्रमण की कार्यवाही है, जिसका प्रतिकार करने में भारत पूर्णतः सक्षम है और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भी कटिबद्ध है। जहां तक आतंकवादियों को मुक्तिवाहिनी बतलाते हुए घुसपैठ को सही ठहराना पाकिस्तान की छोटी राजनीति है। बांग्लादेश का विभाजन कर पाकिस्तान ने स्वयं औपनिवेशिक नीतियों का पालन करते हुए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। अतः भारत का स्पष्ट मत है कि भारत को अपने अहम हटवादित पाकिस्तान को अपने अहम हटवादिता और अपनी जनता का अपने कुशासन से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर को विवाद बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार उठाते रहने की नीति को त्याग कर शिमला समझौते के तहत आपसी विवादों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करने के लिए सहमत होना आवश्यक।